हेलो स्टूडेंट्स, मेरा पिछला वीडियो प्लानिंग फॉर मैथमेटिक्स में कई क्वेश्चंस का जिक्र किया गया था। उसमें पिछले वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स किए थे। सारे आंसर्स सरप्राइजिंग थे कि भाई ये कैसे आंसर हो जा रहा है। हम उसे वन बाय वन अब एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो के बारे में। जीरो चार ऑप्शंस दिए हैं। जीरो इवन नंबर है, ऑप्शन बी जीरो ऑड नंबर है, ऑप्शन सी जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड नंबर बिकॉज इट इज ए होल नंबर एंड सो इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ऑप्शन डी बोथ ऑफ इवन एंड ऑड, इवन ऑड दोनों है। बहुत लोग व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हुए हैं और वो लगातार हमें क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं मेरे साथ। वो अपना भी क्वेश्चन पूछते हैं जो उनका पर्सनल डाउट्स होता है। धीरे धीरे हम सबको जोड़ेंगे, थोड़ा सा पहले कुछ और वीडियोस बन जाए और ज्यादा लोग जुड़ जाए, कुछ सब्सक्राइबर्स आप लोग के सहयोग से बढ़ जाए, तो फिर हम लोग व्हाट्सएप पे भी बात क्या करेंगे, फोन पे भी बात क्या करेंगे, आपके सारे डाउट्स को हम दूर करने का प्रयास करेंगे, आपकी पढ़ाई में हम पूरी तरह से सहयोग करने का प्रयास करेंगे। ओके, अभी तो शुरुआत है। तो हमारा क्वेश्चन है जीरो क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, नाइदर इवन नॉर ऑड बिकॉज इट इज ए होल नंबर सो इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड या बोथ ऑफ इवन एंड ऑड। तो व्हाट्सएप पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो हमें आंसर भेजे। मैक्सिमम लोगों का आंसर था नाइदर इवन नॉर ऑड, लेकिन हम बताएं कि नाइदर इवन नॉर ऑड कहना गलत होगा। कुछ लोगों का सही जवाब भी आया था व्हाट्सएप पे और उनका जवाब था जीरो इज एन इवन नंबर। तो इसमें कई लोग जवाब दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का आंसर था नाइदर इवन नॉर ऑड, जो कि गलत है। तो थोड़ा इसकी और व्याख्या करें, इवन नंबर या ऑड नंबर क्या है, तो बताएं डिफिनिशन है। डिफिनिशन एक्सेप्ट करने की चीज होती है। डिफिनिशन, कॉन्वेंशन, सिंबल, इन बातों का प्रूफ नहीं होता, ये हम सीधे एक्सेप्ट करते हैं कि लोग डिफिनिशन क्या स्वीकारते हैं इवन नंबर ऑड नंबर के लिए। तो बताया गया है कि सारे के सारे इंटीजर्स या तो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, बट फ्रैक्शंस आर नाइदर इवन नॉर ऑड, इरेशनल नंबर्स आर नाइदर इवन नॉर ऑड। अगर कोई कहे कि 2.4 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, अरे 2.4 में तो 2 से डिवाइड हो गया, डिवाइड होके 1.2 आता है, ये कट जाएगा और 1.2 आता है, इसलिए 2.4 इवन नंबर है, यह गलत होगा। फ्रैक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, बट ऑल इंटीजर्स आइदर पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स और जीरो, ऑल इंटीजर्स आर आइदर इवन और ऑड। जितने भी इंटीजर्स हैं वो या तो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। वे सारे इंटीजर्स जिसमें 2 से डिवाइड होने के बाद, वे सारे इंटीजर्स जिसमें 2 से डिवाइड होने के बाद रिजल्ट भी एक इंटीजर आए, फॉर एग्जाम्पल 6 में 2 डिवाइड कीजिए, 6 एक इंटीजर है, 2 डिवाइड कीजिए, रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आएगा। तो वे सारे इंटीजर्स जिसमें 2 डिवाइड होने के बाद रिजल्ट भी एक इंटीजर आए, ऐसे इंटीजर को इवन नंबर कहते हैं, इवन इंटीजर कहते हैं, ये इवन नंबर हुए। और वे सारे इंटीजर्स जिसमें 2 डिवाइड होने के बाद फ्रैक्शन आए, 2 डिवाइड होने के बाद फ्रैक्शन आए, ऐसे इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स हैं, इसलिए 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है। बट फ्रैक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, इरेशनल नंबर्स आर नाइदर इवन नॉर ऑड, ओनली इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर आइदर इवन और ऑड। तो इंटीजर्स ये पॉजिटिव भी नहीं होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। अगर हम 6 में 2 से डिवाइड होने के बाद रिजल्ट एक इंटीजर आया, तो -6 में भी 2 डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट एक इंटीजर ही आएगा। तो डिफिनीशन के मुताबिक -6 भी एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के बाद रिजल्ट एक इंटीजर आया। और जिस तरह से 5 में 2 डिवाइड के रिजल्ट फ्रैक्शन आया, अगर हम -5 में भी 2 डिवाइड करें तो भी रिजल्ट फ्रैक्शन में आएगा। तो बाय डिफिनीशन -5 शुड बी एन ऑड नंबर, तो सही भी है। इंटीजर्स सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होते, निगेटिव भी होते, और सारे इंटीजर्स या तो इवन है या ऑड है। आप इसे गूगल पे भी चेक करेंगे
क्रोम ऐप पे जाके आप चेक कीजिए, इवन नंबर और नंबर डालिए, ढेर सारे फोल्डर्स खुलेंगे, आप उन्हें वन बाय वन पढ़िए तो सीखिएगा कि जिस तरह से 13579 डॉट 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 ऑड नंबर्स हैं, उसी तरह से -1, -3, -5, -7 भी ऑड नंबर्स हैं। जिस तरह से 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स हैं, उसी तरह से -2, -4, -6, -8 भी इवन नंबर्स हैं। सारे इंटीजर्स या तो इवन या ऑड होंगे। फ्रैक्शंस आर नाइदर इवन नॉर ऑड, इरेशनल नंबर्स आर नाइदर इवन नॉर ऑड। आप क्रोम ऐप पे जाके चेक कीजिए इवन नंबर ऑड नंबर को, आप सीखेंगे कि जिस तरह से 2, 4, 6 इवन नंबर है, उसी तरह से -2, -4, -6, -8 भी इवन नंबर है। तो बात रही जीरो की, जीरो भी तो एक इंटीजर है, सारे इंटीजर इवन या ऑड है तो जीरो को भी इवन या ऑड होना चाहिए। आप 2 से डिवाइड करके देखिए, जिसमें जिस इंटीजर में 2 से डिवाइड होने के बाद रिजल्ट भी एक इंटीजर आए, ऐसे इंटीजर को इवन नंबर कहते हैं। तो 0 में 2 डिवाइड किए, रिजल्ट फ्रैक्शन में आता तो ऑड नंबर, लेकिन यहां तो इंटीजर में आया इसलिए 0 एक इवन नंबर है। तो जिस तरह से 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इवन नंबर है, उसी तरह से 0, -2, -4, -6, -8 भी इवन नंबर है। लेकिन अगर मैक्सिमम स्टूडेंट जवाब दिए नाइदर इवन नॉर ऑड, तो हम सोचते हैं कि स्टूडेंट्स ये गलतियां, इस तरह के मिस्टेक्स स्टूडेंट्स क्यों करते हैं। तो बचपन में ही आप सम संख्या विषम संख्या पढ़े होंगे, इवन नंबर ऑड नंबर, तो क्लास में भी बताया गया, सामान्यतः लोग ऐसे बताते हैं कि वे सारी संख्याएं इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट, घर पे किताब पढ़ते हैं वहां भी लिखी हुई बातें हैं कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, जब चारों तरफ बचपन में इवन नंबर पढ़ते वक्त चारों तरफ उदाहरण में 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ही मिला, तो जीरो पे स्टूडेंट का ध्यान नहीं गया, निगेटिव इंटीजर्स पे स्टूडेंट का ध्यान नहीं गया। हम समझते इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं, ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है, ये किताब लिखने वालों की जिम्मेदारी बनती है। उन्हें एहसास होना चाहिए कि बच्चे कहाँ कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, उसका जिक्र उन्हें स्पेशली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी उम्र में क्लास 6 में बच्चे ये नहीं सीख सकते कि निगेटिव, जब वो निगेटिव इंटीजर समझते हैं तो उन्हें सिखाया जा सकता था उस वक्त भी कि भाई सारे इंटीजर्स इवन या ऑड हैं, तुम -4 या -6 में भी 2 से डिवाइड करो, रिजल्ट डिवाइड हो जाएंगे, तो -2 या -4 या -6 भी इवन नंबर्स हैं। तो ऐसे लोग जो बचपन में चारों तरफ देखे हैं उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, उनके दिमाग में बस गया है कि 2, 4, 6, 8 से ही शुरू होता है इवन नंबर, उसके पहले निगेटिव वाले के बारे में उन्हें एहसास नहीं है। उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर फिर स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन होगा। हम जान रहे हैं उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि 2, 4, 6, 8, तो वो जान रहा है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर वो पूछते हैं हमसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तो हम उनसे पूछते हैं कि लार्जेस्ट इवन नंबर क्या होगा। जिस तरह से 2, 4, 6, 8, 10 के रास्ते लार्जेस्ट इवन नंबर इन्फिनिटी चला जाएगा, उसी तरह से -2, -4, -6, -8 के रास्ते स्मॉलेस्ट इवन नंबर -∞ चला जाएगा। आप हमसे ये पूछिए स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होगा तो कहेंगे 2। स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर क्या होगा तो कहेंगे 0। स्मॉलेस्ट इवेंट नंबर विच इज ग्रेटर देन -5, विच इज ग्रेटर देन -5, तो कहेंगे -4 होगा। जब तक इधर से एक दीवार नहीं दीजिएगा तो फिर तो स्मॉलेस्ट इवेंट नंबर -∞ चला जाएगा उसे में। तो जिनके दिमाग में बसा हुआ है, जो बचपन से एग्जाम्पल्स पढ़ते रहे कि इवेंट नंबर के एग्जाम्पल्स में 2, 4, 6, 8, वो समझते हैं कि स्मॉलेस्ट इवेंट नंबर 2 होता है, ऐसी बात नहीं है। सारे के सारे इंटीजर्स आइदर इवेंट है या ऑड है। जिस तरह से 13579 ऑड नंबर्स हैं, उसी तरह से -1, -3, -5, -7 भी ऑड नंबर्स हैं। जिस तरह से 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इवन नंबर्स हैं, उससे 0, -2, -4, -6 इवन नंबर्स हैं। जिस तरह से लार्जेस्ट इवन नंबर 2, 4, 6, 8 के रास्ते इन्फिनिटी हो जाएगा, वैसे ही स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स -2, -4, -6, -8 के रास्ते -∞ हो जाएगा। आप हमसे ये पूछिए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होगा तो कहेंगे 2। स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर क्या होगा, 0, एंड सो ऑन। ओके, थैंक यू।